Hey everyone, welcome to my channel. मैं हूँ मोहित और आज के वीडियो में कुछ खास नहीं, हम लोग कुछ बातें करेंगे और मैगी बनाने जा रहा हूँ मैं. बढ़िया मैगी, एकदम स्पेशल मैगी है, मतलब मोहित स्पेशल, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ ये वाला. मतलब ऐसे मैंने कुछ देखे थे, कुछ लोग अलग अलग टाइप के नूडल्स, खुद के नूडल्स बनाते, तो मैंने वैसे ही कुछ अलग आइडिया लगाया और मेरे पास चिकन मैगी पड़ी थी, तो मैं सोचा कुछ अलग बना सकते हैं. तो वीडियो पूरा देखो और मुझे बताओ लास्ट में कि कैसा लगा. देख के कैसा लगा टेस्ट में तो मैं ही बताऊंगा. बस फिर अभी नीचे जाते फटाफट फटाफट. तो हम लोग को मैगी बनाने के लिए चाहिए 2 अंडे, प्याज, थोड़े बहुत मसाले, ये पैन, चिकन मैगी है. तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अंडे फोड़ूंगा. फिर बाकी इसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे जो मैंने कहा था, जैसे कि ये हो गया, ये लाल मिर्ची पाउडर हो गया, नमक, सब अपने हिसाब से डालना. मैं तो अपने हिसाब से डालता हूँ, मुझे पता नहीं कितना डालना है. वैसे अंडा ऐसा कि वो कैसे भी अच्छा था, ये चाट मसाला है तो वो भी डाल रहा हूँ मैं. अंडे को तो फेंट दिया है, अब गैस चालू कर देते हैं. तो अच्छा खासा गर्म हो गया है, ऑयल डालेंगे. तो पैन ऑलमोस्ट हो गया अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसमें अंडा डाल देंगे. तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम लोग ऑनियन लंबे लंबे में काट लेते हैं. तो ऑमलेट ऑलमोस्ट पक गया है, पक रहा है मतलब, तो इसको मैं अभी साइड में निकाल दूंगा और उसके बाद बताऊंगा इसका करना क्या है. पैन में ऑयल डालेंगे, तो गर्म होने देंगे अभी, और फिर इसमें हम डालेंगे ऑनियन. हम ऑनियन उत्तपा नहीं बना रहे हैं. तो ऑनियन को अच्छा खासा ब्राउन होने देना है, तब तक मैं बताता हूँ हमें ऑमलेट के साथ क्या करना है. इसको हम लोग लेंगे, जो मैं जिसमें कट करता हूँ मैं इसे खोलूँगा और इससे ऐसा रोल कर दूँगा जैसे फ्रैंकी बनाते हैं वैसे. जैसे मैंने कर दिया रोल, अब इसे रख के मैं बारीक बारीक कट कर दूँगा. और पतला कट कर सको तो और अच्छा होगा. मेरा नाइफ इतना खतरनाक नहीं है, तो मैंने थोड़ा ठीक ठीक छोड़ दिया. आप पतला कर सकते हैं, नूडल्स जैसा लगना चाहिए. याद रखना प्याज को आपको एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसा रखना है, कच्चा तो बिल्कुल नहीं रखना. तो अभी ये भी ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे मैं साइड में निकाल दूंगा वापस. मैगी का प्रोसेस चालू करेंगे, जैसे मैगी बनती वैसे बनानी. तो पानी गर्म हो गया, मैगी डाल देते हैं. मैगी ऑलमोस्ट पक गई है, इसमें हम लोग डालेंगे हमारा जो प्याज था और अंडा भी. जो खुशबू आ रही है ना, एकदम मस्त आ रही है, क्योंकि मतलब वो जो ठेले वाले आते हैं ना अलग ही, वैसे वाली मैगी खुशबू आ रही है. अंडा अंडा सब मिक्स. तो अभी सर्व कर देते हैं मैगी. तो गई मैगी रेडी, ऊपर जाके फटाफट फटाफट खाते हैं. तो बन गई मैगी रेडी, ऊपर नहीं गए हम लोग, यहीं पे खा रहे हैं और कैमरा हिल रहा है पता है मुझे. तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है. क्यों नहीं, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मैं बता नहीं सकता टेस्ट कैसा है. ज़बरदस्त है एकदम, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अंडा ना एकदम अलग अलग लग रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है. बाय द वे ये मुकुल है,
पहले वीडियो में अगर देखा होगा आपने तो, और कि वो कुछ तो फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई तो मुकुल में भी उसका मतलब मुकुल ने भी टिकट बुक किया था महाराष्ट्र के सेम जो भी मतलब नाम बोल गया मैं, उन्होंने बोला कि शायद अभी फ्लाइट्स को हम सब कैंसिल करने वाले थर्टी फर्स्ट तक तो एक तारीख से होगी, तो पता नहीं उसको शिफ्ट करने वाले या उस डेट से नई फ्लाइट्स बुक होने वाली है। अब बहुत पसीना आ रहा है, फैन बंद है क्योंकि माइक में नहीं तो आवाज़ आती है, तो हम लोग खाते हैं। पर इसको ज़रूर ट्राई करना, यहाँ तक अगर देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बस मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं कोई एक टाइप का वीडियो बनाना पसंद है ऐसा कुछ नहीं, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है तो मैं हर टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय। भैया क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये क्या कर? अरे बर्तन धो रहा हो, इतने सारे बर्तन गंदे करने के बाद नहीं धोएंगे तो यार मम्मी ऐसा धुलाई करेगा, चप्पल से मारेगी, तो ये सब भी करना पड़ता है। तुम लोग जाओ, अरे इतना नहीं देखना, जाओ जाओ तुम लोग, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आ जाना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।